अस्सलाम वालेकुम और डेली ट्यूटर देखने का शुक्रिया। मेरा नाम यासीन है और दोस्तों आज हम आपके लिए लाए हैं Redmi Note 7 का डिटेल्ड रिव्यू। आज हम देखेंगे कि इस फोन में क्या कमियां हैं और क्या खूबियां हैं। अगर आप इस फोन को बाय करने में इंटरेस्टेड हो तो चंद बातें हैं जो आपको जान लेनी चाहिए। दोस्तों Redmi Note 7 अभी तक पाकिस्तान में लॉन्च नहीं हुआ है, लेकिन जल्द ही लॉन्च कर दिया जाएगा। तो आज मैं ये नहीं कहूंगा कि लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, अगर आप बाय करना चाहें तो आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। रिव्यू स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। रिव्यू शुरू करते हैं डिजाइन से। दोस्तों स्क्रीन वर्क इतना अच्छा है कि अगर आप किसी भी ऐप को ओपन करने के लिए स्क्रीन के थोड़ा सा ऊपर भी टच करेंगे तो स्क्रीन ओपन हो जाएगी। मजबूती की बात हो तो Xiaomi ने फोन के फ्रंट और बैक दोनों पर ही गोरिल्ला ग्लास 5 दिया है, जो कि एक बहुत ही टफ ग्लास माना जाता है, बट एट द एंड है तो ग्लास ही, अगर गिरा तो टूट सकता है। अगर आप ये फोन खरीदने में इंटरेस्टेड हो तो मैं यही कहूंगा कि इसे आप बड़ी ही मोहब्बत और एहतराम से रखिएगा। बाकी एक अच्छी बात यह है कि फोन को अब तक 3 से 4 लोग यूज कर चुके हैं और मुझे इस पर कोई स्क्रेचेस देखने को नहीं मिले। ग्लास बॉडी है तो एक खूबसूरत सी शाइन देखने को मिलती है, जो कि इसकी लुक के लिए एक बड़ा एडवांटेज है। लुक के लिहाज से डिजाइन ऐसा बनाया गया है कि पहली नजर में ही प्यार हो जाए। हैंड फीलिंग के मामले में Redmi Note 7 अपने साइज की वजह से एक सॉलिड हैंड ग्रिप देता है, जो कि मुझे बहुत ही कंफर्टेबल लगा, और फुल बॉडी प्लास्टिक फ्रेम की बनाई गई है। राइट साइड पर पावर ऑन ऑफ और वॉल्यूम कम या ज्यादा करने के बटन हैं, जबकि लेफ्ट साइड पर हैं ड्यूल सिम स्लॉट्स और नीचे हैं स्पीकर्स और एक USB-C पोर्ट। सेंसर्स की बात हो तो तकरीबन अब की बार Xiaomi ने हर एक सेंसर दिया है, कोई कंजूसी नहीं की। फेस रिकॉग्निशन और फिंगरप्रिंट सेंसर दोनों ही सुपर फास्ट हैं और एंड लेवल का रिस्पांस देते हैं। एक बात और है कि Redmi ने एंटरटेनमेंट का खास ख्याल रखा है। अगर मैं बात करूं स्पीकर्स के बारे में तो स्पीकर्स का आउटपुट अच्छा है, लेकिन मुझे लाउडनेस जरा सी कम लगी। हेडफोन जैक क्रिस्टल क्लियर और लाउड है। डिजाइन के बारे में आखिर में सिर्फ इतना ही कहूंगा कि Redmi ने इस फोन में सारे इम्पोर्टेंट चीजें दी है, चाहे वो USB-C पोर्ट हो या LED नोटिफिकेशन हो। तो मैं यही कहूंगा कि डिजाइन परफेक्ट के करीब कह सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या फोन का डिस्प्ले भी उतना ही बेहतर है जितना कि डिजाइन। तो दोस्तों Redmi Note 7 में सामने 6.3 इंचेस का फुल HD+ IPS LCD पैनल देखने को मिलता है, जिसकी रेजोल्यूशन 1080x2340 है और पिक्सल डेंसिटी 409 PPI है, जबकि स्क्रीन की प्रोटेक्शन के लिए गोरिल्ला ग्लास 5 यूज किया गया है। डिस्प्ले बहुत ही अच्छी है और कोई भी कमी देखने को नहीं मिलती। कलर्स बहुत ही एक्यूरेट, नेचुरल और सैचुरेटेड हैं और सुपर ब्राइट भी कह सकते हैं, और व्यूइंग एंगल भी बहुत ही गजब के हैं। एक मेन बात जो कि मैंने इस फोन में नोट की है वो ये है कि इसका टच बहुत ही रिस्पॉन्सिव है और एक्यूरेट वर्क करता है, मुझे पहली नजर में ही पसंद आ गया। अब अगर डिस्प्ले में कमी निकालनी हो तो वो ये है कि इसके बेजल्स थोड़े से मोटे हैं, लेकिन हाँ कुछ अरसा इस्तेमाल करने के बाद आप यूज टू हो जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। अब आ जाते हैं इस फोन के सबसे डिफाइनिंग फीचर, इसके सबसे बड़े फीचर पे, जिसे बार बार हाईलाइट किया गया है और मुझे लगता है कि यही इसके मकबूलियत की वजह भी बन सकती है, इसका कैमरा। दोस्तों सेल्फी के लिए फ्रंट पे आपको 13 मेगापिक्सल का f2.2 के अपर्चर वाला सेल्फी शूटर दिया गया है, जबकि बैक पर आपको दिए गए हैं ड्यूल कैमरा सेटअप, जिनमें से एक 48 मेगापिक्सल का f1.8 के अपर्चर वाला मेन सेंसर है और दूसरा 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है। यहाँ बैक से आप 48 मेगापिक्सल के फोटोज क्लिक कर सकते हैं। 48 मेगापिक्सल मार्केटिंग के लिहाज से तो अच्छा है, लेकिन मैं ये एडवाइस कभी नहीं दूंगा कि आप सिर्फ इस एक फीचर की वजह से इस फोन को बाय करें। और हाँ, हमें इसमें एक नाइट मोड देखने को मिलता है, जो कि आप कह सकते हैं कि एक यूजफुल ऑप्शन है। अगर आप नाइट में पिक क्लिक करते हैं तो थोड़ी सी ब्राइटनेस ज्यादा हो जाती है और शेडोज को हाईलाइट कर दिया जाता है, ये अब एक यूजेबल ऑप्शन हो सकता है। इसमें कैमरा सेंसर्स अच्छे दिए गए हैं, मैं आपको कुछ कैमरा सिंबल्स दिखा देता हूँ। एक्चुअल में पिक्स बहुत ही अमेजिंग आती है और मैंने AI मोड के बिना ही पिक क्लिक की है, जो कि काफी इम्प्रेसिव है। डे टाइम में पिक अच्छी है और नाइट में भी अच्छी पिक आती है। पोर्ट्रेट मोड भी सही है। एज डिटेक्शन 10 में से 2 बार ही फेल होती है। बाकी दोस्तों आजकल के लोग ज्यादातर ब्यूटी कैम, यू कैम, इंस्टाग्राम से ही पिक क्लिक करते हैं, तो मुझे ये 48 मेगापिक्सल का कैमरा सुनकर वो वाओ वाली फीलिंग नहीं आई।
रन भी अच्छा वर्क करता है और आप अच्छी क्वालिटी की पिक हासिल कर सकते हैं। किसी भी पार्क में जाकर अगर आप सेल्फी क्लिक करते हैं या पिक्चर लेते हैं तो आप उसे इजीली सोशल मीडिया पर शेयर कर सकते हैं और आपको अच्छी सेल्फी मिल जाएगी। पोर्ट्रेट मोड भी सही काम करता है। वीडियो क्वालिटी की बात की जाए तो फ्रंट और बैक दोनों से ही आप 1080p पे वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। मैंने डे नाइट दोनों में ही वीडियो बनाई और दोनों में ही अच्छी एक्सपोजर मेंटेनेंस मिली। डिटेक्शन भी उम्दा थी, तो मेरे लिहाज से मैं वीडियो के लिए इस फोन को एक अच्छा फोन करार देता हूं। तो कैमरा के बारे में आखिर में यही कहूंगा कि सेंसर बहुत ही उम्दा दिए गए हैं, वीडियो और फोटोज दोनों ही अच्छी देखने को मिलती है। अब सवाल आता है कि परफॉर्मेंस कैसी है। दोस्तों, Redmi Note 7 में आपको Snapdragon 660 का ऑक्टाकोर प्रोसेसर मिलता है और Adreno 512 का GPU है। प्रोसेसर बहुत ही जानदार जाना जाता है। हमें इस फोन में MIUI 10 देखने को मिलती है जो कि Android 9.0 के पाई में बेस्ट है और डेली यूजेज के लिहाज से बहुत ही स्टेबल है, स्मूथ है और लैग फ्री एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। FB, Insta, YouTube और Google Chrome बिल्कुल ही फ्रीली यूज कर सकते हैं। Android Pie के साथ जितने भी फोन अब तक आए हैं, इनकी UI बहुत ही स्मूथ होती है और एप्स बहुत ही रिस्पॉन्सिव वर्क करते हैं और एक अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। बाकी इस फोन में 6GB रैम और 64GB स्टोरेज देखने को मिलती है। और जब मैंने Geekbench 4 स्कोर का रिजल्ट देखा तो सिंगल कोर स्कोर आया 1558 जबकि मल्टी कोर स्कोर आया 5710। मूविंग ऑन गेमिंग परफॉर्मेंस, मैंने नॉर्मल गेम चलाया तो अच्छा चला, लेकिन जब पबजी चलाया था उसमें मुझे थोड़ा बहुत लैग देखने को मिला, जिसकी वजह इसका प्रोसेसर है। और ये गेम इसलिए लैग नहीं दे रहा था कि इसके प्रोसेसर में कोई कमी है या खराबी है, बल्कि ये डेवलपर्स की तरफ से जिन्होंने गेम को डिजाइन किया, और मुझे लगता है कि फ्यूचर में हमें ये चीज भी देखने को नहीं मिलेगी। तकरीबन 50 मिनट गेम खेलने के बाद और वीडियो चलाने के बाद मुझे फोन में हीटिंग प्रॉब्लम भी देखने को मिली। बाकी परफॉर्मेंस के बारे में लास्ट में यही कहूंगा कि बहुत अच्छी है, लेकिन गेमिंग प्रॉब्लम है और वो भी डेवलपर्स की तरफ से। अगर ये सही होती तो परफॉर्मेंस बिल्कुल ही बेहतर होती। लास्ट में प्रोसेसर के बारे में यही कहूंगा, प्रोसेसर बहुत ही कमाल बनाया गया है, ऊपर से MIUI 10 भी बहुत ही अच्छी ऑप्टिमाइज है, Android Pie भी देखने को मिलता है और ओवरऑल बहुत ही स्टेबलाइज्ड बनाई गई है परफॉर्मेंस। दोस्तों, बात करते हैं कि फोन का बैटरी बैकअप कैसा है। बैटरी बैकअप की बात हो तो Redmi Note 7 में 4000mAh की नॉन रिमूवेबल बैटरी लगाई गई है जो कि सुपर क्विक चार्ज 4.0 को सपोर्ट करती है। ऊपर से टाइप सी पोर्ट भी देखने को मिलता है। मैंने इसे क्विक चार्ज 3.0 से चार्ज किया तो 1.5 घंटे लगे इस फोन को पूरा चार्ज होने में। बैटरी ड्रेन की बात करें तो गेम खेलते हुए मुझे 40 मिनट लगे और 15% बैटरी गिरी। मेरे हिसाब से बैटरी बैकअप सही है, मुझे लगता है कि बैटरी से आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये फोन खरीदना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों, अगर ये 35,000 की प्राइस रेंज में लॉन्च होता है पाकिस्तान में तो सबसे पहले मैं जाकर खरीदूंगा अपने पर्सनल यूज के लिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि 35,000 की प्राइस रेंज में ये लॉन्च होगा। तो अब वेट करते हैं कि ये फोन किस प्राइस रेंज में और कौन से वेरिएंट किस कलर्स में लॉन्च होते हैं। तो बस यही थी हमारे आज की अपडेट, उम्मीद है पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।